प्यारे बच्चों, आज का हमारा नया प्रश्न है कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, दृश्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद देखकर लिया जाता है, दृश्य काव्य कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। अब देखते हैं नाटक। नाटक किसे कहते हैं, तो नाटक शब्द नट धातु से बना होता है, यह बना है जिसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अभिनय। नाटक में विशद मानव जीवन को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें अनेक अंक होते हैं। अंक मतलब एपिसोड, ले रहे, इसमें एपिसोड कितने होते हैं, अधिक होते हैं नाटक में, जैसे आप टीवी में देखते ही हैं। एकांकी, एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, मतलब एकांकी भी नाटक ही पर एक अंक में है, एक ही एपिसोड में ख़त्म हो गया है, तो क्या अकेले बन जाएगी एकांकी। चलिए आप इसे अब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोककर नोट कर लीजिए।